उफान ते आईयां नदियां हुण लोकां दे जान ते बन रहियां ने क्योंकि इत्थे इक 25 साला नौजवान दी जान चली गई है जो इस ओवरफ्लो हुई नदी दे पुल नूं पार करन दी कोशिश कर रहा सी। तस्वीरां च देखो कि जिस पुल नूं इह शख्स पार कर रहा सी उस पुल दे उत्तों वी नदी दा पाणी हो के लंघ रहा है। जदों इह शख्स इस नदी दा पुल पार कर रहा सी तां उसदा पैर तिलक गया अते नौजवान नदी दे विच डिग गया ते तेज वहाव नाल ही रुड़ गया जिसनों गोताखोर भी हाले तक लभ नहीं सके ने। मापियां दा रो रो के बुरा हाल है। मामला अंबाला दे पिंड चुड़ियाला दा है जिथों दा एक 25 साला नौजवान इस जोधा नदी नूं पार कर रहा सी। तस्वीरां च देखो कि किस तरह नदी दा जो पुल है उसके उत्तों भी पानी हो के लंघ रहा है अते पानी दा वहा काफ़ी तेज है। इस नौजवान नूं रोकण दी कोशिश भी की गई सी कई लोगों के वलों पर टलिया नहीं अते इस पुल नूं पार करन दी कोशिश करन लग्या। इसे दौरान इस नौजवान का पैर तिलक जाता है तो इस नदी दे विच डिग जाता है तो नदी के ही तेज वहा दे विच रुड़ जाता है जिसका हाले तक कोई भी सुराग नहीं मिलिया। उधर मापियां का रो रो के बुरा हाल है कि उन्हों का नौजवान पुत उस पानी दे विच रुड़ गया है जो हाले तक मिलिया नहीं है। दसिया जा रहा है कि इत्थे एक रवि नाम के व्यक्ति ने इस शख्स नूं देखा सी नदी पार कर दिया जदों पुल ते चढ़िया तो रवि दे वल्लों आवाज़ा भी मारिया जांदियां है पर इस शख्स नहीं रुकता अते फिर अगे जा के इस दे नाल हादसा हो जाता है। दस दें कि प्रशासन के वलों भी हिदायतां दित्तियां जांदियां ने कि अजिहे समय दे विच पानी तो दूरी बना के रखो। ओवरफ्लो हुई नदियां ते वध रहा पानी का पद्धर या उफान ते नदियां है तो इन्हां तो दूरी बना के रखी जाए पर लोग जड़े ने वो नहीं समझ रहे ते फिर हादसे का शिकार हो जाते हैं। इस 25 साल नौजवान के नाल भी अजिहा ही होया है जिसनों रोकया तो गया पर फिर भी वह ओवरफ्लो हुए नदी के पुल नूं पार करन दी कोशिश कर रहा सी। हरमीत इसका नाम सी जो इस पानी दे विच डिग गया तो उस दे नाल ही रुड़ गया। फिलहाल गोताखोर इस नौजवान दी तलाश कर रहे ने। नाम रवि है, इस गांव का नाम दुखेड़ी है और जो ये रास्ता है दुखेड़ी से दुराड़ा केसरी चुड़ाड़ा के लिए रास्ता जाता है ये और ये जो हादसा हुआ है ये इसी नदी के पुल पे हुआ है और जो चुड़ियाड़े की तरफ से आ रहा था लड़का उस टाइम पानी तेज था, बहाव तेज था तो उसको आवाज भी लगाई पर उसको नहीं रुका, उसका पैर स्लिप हो गया और पैर स्लिप होने के नीचे गिर गया, ऊपर से ये पान फूल जो है वो ऊपर गिर गए और ये इसकी उम्र 25 साल के आसपास है और हरिजन समाज से है और दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। आज सुबह 10:30 बजे के करीब रवि राणा जी हैं दुखेड़ी से, उनका मेरे पास फोन आया था भाई यहाँ पर एक जोधा नदी है उसमें एक युवक का पैर फिसलने से इस वेगना नदी में बह गया है। जिस सूचना पर हम आए थे और गोताखोरों को सूचित कर दिया है, गोताखोर अभी 5-7-10 मिनट में पहुंच जाएंगे।